बुद्धाय। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो धम्म मंगलम संस्था के साथ जुड़े हैं वे सभी लोग जानते हैं कि धम्म मंगलम संस्था ये कई सालों से मेडिटेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है। पिछले साल कोविड की वजह से वर्षावास से लेकर अभी तक ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप्स उपासकों की विनती से हमने शुरू किए थे। इस ऑनलाइन सत्र में अभी कल से हमारा 7वां सत्र शुरू होने जा रहा है और इस 7वें सत्र में अभी तक तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हैं। जूम के द्वारा ये मेडिटेशन कैंप हम लेते हैं। इस मेडिटेशन कैंप के दौरान कुछ सूचनाएं हैं जो आपके लिए फलदायी रह सकती हैं। ऑनलाइन शिविर है तो भी यहाँ पर हमें अपनी कड़ाई से इसका अनुशासन का पालन करना है। अगर हम ये अनुपालन करेंगे तो ही हमें हमारी साधना में लाभ मिल सकता है। ध्यान के क्या लाभ होते हैं, किस तरह से ध्यान हमें हमारे जीवन में बदलाव लाता है, ये सारी बातें आपको अगर जाननी है तो इसके लिए आप धम्म मंगलम का यूट्यूब चैनल है, उस पर दिए गए प्रवचन है, टॉक्स है, उसको आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि थियोरेटिकली ध्यान को समझने के बजाय अनुभव से उसे समझा जाए, अनुभव से उसे जाना जाए, इसलिए धम्म मंगलम ये ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है। अभी ये 7वां सत्र है, कल सवेरे से मतलब 20 फरवरी से 30 डेज तक, आने वाले 30 डेज तक ये शिविर रहेगा। 20 फरवरी मॉर्निंग 4:50 से शिविर शुरू होगा। 5 बजे ध्यान हमारा शुरू होगा, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे नए साधकों के लिए और 6:30 तक ये सेशन चलेगा। 1 घंटे का मेडिटेशन रहेगा और आधे घंटे के लिए क्वेश्चन आंसर्स या फिर कोई छोटा सा टॉक वहाँ पर दिया जाएगा। इस शिविर को धम्म मंगलम संस्था के डायरेक्टर दीपक अनभोरी जी, शीतलताई और धम्म मंगलम के सदस्य ये सभी लोग लीड कर रहे हैं। धम्म मंगलम संस्था के द्वारा चित्त विवेक नाम से ये ग्रुप व्हाट्सएप पर हमने बनाया है, जिसके माध्यम से आपको इस ग्रुप के माध्यम से आपको ध्यान से रिलेटेड सारी सेवाएं और सूचनाएं और जानकारी इसके माध्यम से आपको दी जाती है। सूचनाएं केवल इतनी है कि इस 30 दिन के दौरान हमें वृत्त पत्र, टीवी चैनल्स, मूवीज, इंटरटेनमेंट इससे दूर रहना है। इससे जितना आप दूर रहोगे उतना ज़्यादा आपको ध्यान करते समय लाभ हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपको क्या करना है, आपको आपका जो अनुशासन संहिता दी जाती है, समय सारणी दी जाती है, उसका पालन करना है। कुछ टास्क आपको दिए जाएंगे, जो टास्क आपको एवरीडे आपको फॉलो करना है। आप अगर उन्हें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी दैनिक साधना में उसका आपको लाभ मिलेगा और आप अनुभव से कह सकते हो कि यस, मैंने जो मेडिटेशन किया है वो पूर्ण तन मन से मैंने इस मेडिटेशन में अपना अभ्यास किया है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। अभी मैं फिलहाल दिल्ली परिसर होने बाद यहाँ के बिहार से ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी की जानकारी के लिए। थैंक यू। सबका मंगल, सबका।